नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल्लाह रहमान। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के तरह तरह की खबरें आपको सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन आज हम जिस खबर को बताने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब से समन का जारी होना शुरू हुआ तब से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर को एकदम सख्त तरीके से बता दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की वो एजेंसियां, क्योंकि वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अपने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को दबोचने का प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी के उस बढ़ते राजनीतिक पद से घबरा गई है और बौखला गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प बनने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के पक्ष को आप समझते हैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ प्रवक्ताओं का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंककर इंसाफ का, ईमानदारी का ढकोसलापन अख्तियार करके कहीं ना कहीं यहां पर जनता को मूर्ख बना रही है और चुनाव में जीत हासिल कर रही है। शराब आबकारी नीति को लागू करने के बाद आम आदमी पार्टी ने करोड़ों का गबन किया है, करोड़ों के पैसे को उसने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर गबन कर अपनी जो है यहाँ पर जो है अपने लिए उसका इस्तेमाल किया है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट में साबित होना है, और इन आरोपों की सच्चाई जब साबित करने की बात आती है तो ईडी सीबीआई उल्टे पांव भागने लगती है, यानी कि उनके पास सबूत का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कई सुनवाइयों में इस बात को आप जो है समझ भी सकते हैं, जिस तरीके की बहस देखने को मिली थी। अब देखना ही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या वो बच जाएंगे, क्या वो यहाँ पर एजेंसियों को मात दे देंगे, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।